पिछले 2 साल से पूरी दुनिया अलग अलग वैश्विक संकट से जूझ रही है। इसमें फूड क्राइसिस यानी खाद्य संकट भी प्रमुख है। कोविड, रूस यूक्रेन संघर्ष आदि की वजह से दुनिया के कई देशों में खाद्य संकट गहरा गया है, लेकिन भारत ने कोरोना काल में न सिर्फ अपने देशवासियों को संभाला बल्कि कई जरूरतमंद देशों के भी साथ खड़ा रहा। ऐसे में दुनिया में बढ़ती खाद्य असुरक्षा के चलते पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए G20 की बैठक में भी विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमुख विषय है। पीएम मोदी ने भी इंडोनेशिया के बाली में G20 के अपने संबोधन में कहा था कि भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय में ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देख रहा है। उन्होंने कहा था कि आज मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसाइसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। अब जब G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास है, जो भारत को आज विश्व के समक्ष उपस्थित होने वाली विभिन्न खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने का एक विशिष्ट अवसर प्रदान कर रहा है। वैश्विक व क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा पर अनेक वर्षों से G20 के प्राथमिकता वाले एजेंडे में से एक के रूप में विचार विमर्श किया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम में भारत के कार्यक्रम निदेशक बिशो पराजुली का कहना है कि मौजूदा समय में विश्व में चल रहे खाद्य संकट के समाधान के लिए दुनिया भारत के अनुभव से बहुत कुछ सीख सकती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2019 में दुनिया भर में 650 मिलियन लोग चरम भुखमरी से पीड़ित थे और वर्ष 2014 की तुलना में उनकी संख्या में 43 मिलियन की वृद्धि हुई थी। महामारी के उभार के बाद से भुखमरी के कगार पर रहने वाले लोगों की संख्या एक वर्ष पहले के 135 मिलियन से दुगनी होकर 270 मिलियन हो गई है। यह विषय भारत की अध्यक्षता में बेहद महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। अगर अपने देश की बात करें तो भारत ने कोरोना के समय न केवल अपने देश के भीतर बल्कि दुनिया के कई देशों में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत ने 1.3 बिलियन देशवासियों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति को सुनिश्चित किया, जिसके अंतर्गत 11 करोड़ 18 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक प्रदान किया गया। वही खाद्य संकट के कारणों को लेकर कृषि मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी स्मिता सिरोही कहती हैं कि वर्तमान समय में 3C यानी कोविड महामारी, क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से वर्तमान विश्व में कई सारी चुनौतियां सामने आई हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के देशों में संकट उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इन संकटों से लगभग 850 मिलियन लोग खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे हैं और वहीं 350 मिलियन अन्य लोग इस संकट की ओर जाने की राह पर हैं। उन्होंने बताया कि लगातार विभाजित होती दुनिया, भुखमरी की बढ़ती असमानता, गरीबी, कोविड-19 महामारी के आर्थिक दुष्प्रभावों और जलवायु परिवर्तन जैसे संकटों के चलते आज दुनिया मुश्किलों के भंवर में फंस गई है। यूक्रेन के संकट ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है और अनाज, खाने के मुख्य कृषि उत्पादों, तेल और रासायनिक खाद के दाम बेकाबू होकर आसमान छू रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के नेतृत्व में वैश्विक खाद्य संकट का समाधान कर सकती है। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता भारत के पास होने की वजह से दुनिया भर में खाद्य संकट का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महामारी और उसके बाद हुए युद्धों से दुनिया भर में कई सारे संकट उत्पन्न हुए हैं, जिसमें कई सारे छोटे और अविकसित देश विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा और खाद्यान्न की कमी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका समाधान भारत के नेतृत्व में G20 के द्वारा संभव है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।